नमस्ते, मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं पंचकर्म के बारे में इंग्लिश में और तमिल में बात किया हूँ ऑलरेडी, मेरा यूट्यूब चैनल में है। बहुत सारे पेशेंट्स हिंदी में बात करने के लिए बोला है, तो इस वीडियो को मैं बन रहा हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, तो अगर कुछ रॉन्ग वर्ड्स में यूज़ किया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ओम श्री धन्वंतरे नमः। अभी पंचकर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पंचकर्म सीखने से पहले हमारा बॉडी में वात, पित्त और कफ कहाँ कहाँ पे है, और वात का डिसीजेस क्या होता है, पित्त का डिसीजेस क्या होता है और कफ का डिसीजेस क्या होता है हम देखेंगे। पहले हमारा बॉडी कैसा डिवाइड किया है देखेंगे। हमारा बॉडी में तीन पार्ट है, कफ का पार्ट, पित्त का पार्ट और वात का पार्ट। चेस्ट के ऊपर जो भी है वो कफ का पार्ट है, चेस्ट और नेवल के बीच में जो भी पार्ट है वो पित्त का पार्ट है, और नेवल के नीचे वात का पार्ट है। इसका मतलब कफ ऊपर रहेगा, पित्त बीच में रहेगा और वात नीचे रहेगा। पित्त मतलब हीट। हमारा बॉडी में जो भी खाना अंदर जाने के बाद पाचन करने वाला दोष पित्त है। जो भी खाना हमको डाइजेस्ट करना है, पैंक्रियास का हेल्प चाहिए, लिवर का हेल्प चाहिए, डियोडनम का हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली स्टमक का हेल्प चाहिए, वो सब इधर रहते हैं। इधर ही हमारा जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर रहते हैं, इसीलिए इस प्लेस पित्त को हमारा आचार्यों दिया है। ऐसे ही कफ का प्लेस ये है, मतलब स्ट्रेंथ, हमारा शोल्डर्स में हमारा स्ट्रेंथ रहेगा, और सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स और इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गेन्स ऊपर है। इस सारे ऑर्गेन्स को कफ प्रोटेक्ट करेगा, हमारा म्यूकस वगैरह इधर ज्यादा है। और फाइनली वात, वात मतलब मूवमेंट, चलन, बिना पैर हम मूव नहीं कर सकता है, इसीलिए पैर वात है और इंटेस्टाइन्स, लोअर इंटेस्टाइन्स वो सब वात है। अभी वात, पित्त और कफ हमारा बॉडी में कहाँ कहाँ पे है करके हम सीख लिया है। अभी पंचकर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वामन एक पंचकर्मा, विरेचन दूसरा पंचकर्मा, आस्थापन अवस्थी, अनुवासन अवस्थी ये तीन और चार, और नस्यम फाइनली फिफ्थ पंचकर्मा। अभी ये पांच पंचकर्मा इस तीन दोषों को कैसा हमारा बॉडी से बाहर निकलते हैं डिस्कस करेंगे। जब कफ हमारा बॉडी में ज्यादा है, आस्थमा आएगा, डैंड्रफ आएगा, एक्जिमा सोरियासिस आएगा, ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल जैसा डिजीजेस आएगा और साइनसाइटिस आएगा, ऐसा वाला डिजीजेस को हम कफ कैटेगरी में डालते हैं। अभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर वामन का पंचकर्म चूज करते हैं, वो इस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए चूज करते हैं। बहुत सारे डिजीजेस हैं, उसमें मेन डिजीजेस में इधर बताया है। तो अभी पंचकर्मा में वामन के बारे में पहले देखेंगे। वामन पंचकर्म जनरली 15 to 18 डेज तक रहेगा। इस पंचकर्म को हम चार फेज में डिवाइड करते हैं। पहले 3, 5 या 7 दिन फर्स्ट फेज में आएगा और 1 दिन सेकंड फेज में आएगा। नेक्स्ट डे थर्ड फेज है और 3, 5 या 7 दिन फोर्थ फेज में आएगा। ये सब एक प्रोसीजर है, एक फेज के बाद एक फेज आएगा। एक एक फेज को उसका ओन इम्पोर्टेंस है, एक फेज के बाद ही दूसरा फेज को हम जाना पड़ेगा, वो सब इंटरलिंक्ड है। पहले फेज में घी या तेल हम पीने के लिए देते हैं। हम घी और तेल इसलिए देते हैं क्योंकि फैट, ये दोनों फैट है ना, फैट को एक क्वालिटी है, एक गुण है। वो क्या है, फैट जो भी थिंग से कांटेक्ट में आएगा उसके साथ बाइंड होगा, चिपकेगा, है ना। तो इधर क्या होगा, घी अंदर जाने के बाद हमारा बॉडी के अंदर जो भी विषक्त पदार्थों हैं उसके साथ बाइंड हो जाएगा, इधर कफ के साथ बाइंड हो जाएगा, बाइंड होके शरीर के अंदर रहेगा। तो जब तक पेशेंट पी सकते हैं तब तक हम देंगे, वो 3 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है या मैक्सिमम 7 डेज हो सकता है। 7 दिन के ऊपर हम घी नहीं देंगे, बंद कर देंगे। इस 7 दिन में क्या होगा, बॉडी के अंदर घी भर भर के टॉक्सिन्स के साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद हम नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे। नेक्स्ट फेज में बॉडी को हीट देंगे, मालिश करके, तेल से मालिश करके बॉडी को हीट देंगे। जब भी हीट देंगे
हमारा बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इंप्रूव होके हमारा बॉडी के अंदर जो भी घी भराया हुआ है वो सब मेल्ट होना शुरू होगा। एक पर्टिकुलर डायमेंशन में हमारा बॉडी एक फनल जैसा है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, टेक्स्ट बुक्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमारा बॉडी ऐसा है कि हेड, हाथ और पैर ऊपर फनल के ऊपर रहेगा, फनल के बीच में स्टमक रहेगा और सबसे नीचे पार्ट एनस रहेगा। तो वमन में क्या होगा, सारे घी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारा स्टमक के अंदर जाके टॉक्सिन्स के साथ, विषक पदार्थों के साथ मिलाया हुआ घी हमारा स्टमक के अंदर रहेगा। स्टमक मतलब कोष्ठ, आयुर्वेद में इस एरिया को कोष्ठ कहा है। इधर घी, अनवांटेड टॉक्सिन्स वो सब इधर आके कलेक्ट होगा। ऐसा वाला टाइम पे हम नेक्स्ट वमन ट्रीटमेंट को जाएंगे। सुबह 4 बजे को पेशेंट को बुला के मालिश करके और हीट देके स्टीम बॉक्स में बिठा के एक दवाई देंगे। ये मेडिसिन जो भी हम डॉक्टर्स देंगे वो इतना स्पेशल है कि वो स्टमक के अंदर सिर्फ टॉक्सिन्स बाहर निकालना उसका काम नहीं है, वो अंदर जाके हर जॉइंट के अंदर जाके, हर टिश्यू के अंदर जाके जो भी कफ अटका है वो सारे टॉक्सिन्स को और विषक पदार्थों को बाहर निकाल देगा, वो वॉमिटिंग जैसा निकाल देगा। तो स्टमक क्लेंस होने के टाइम पे क्या होगा, जो भी बाइल है और जो भी एसिड्स है वो सब बाहर निकलेगा। तो हमारा भूख थोड़ा कम रहेगा और एसिड्स का रिलीज थोड़ा देर होगा, कुछ दिन होगा। वमन करने के बाद हमारा ऋषिस और आचार्यों क्या किया है, एक डाइट प्लान प्रिस्क्राइब किया है, वो है फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में डाइट ऐसा होगा कि पहले लिक्विड फूड्स होगा और सेमी सॉलिड फूड्स रहेगा और फाइनली नॉर्मल फूड में लेके आएंगे। ये है वमन पंचकर्म। नेक्स्ट विरेचन पंचकर्म के बारे में हम बात करेंगे। पित्त को निकालने वाला पंचकर्म विरेचन पंचकर्म है। जो भी पित्त का डिजीजेस है, जैसा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स है या जॉन्डिस है, जो भी डाइजेशन के रिलेटेड है, वो सब पित्त के अंदर आएगा जनरली। विरेचन पंचकर्म इस डिजीजेस में यूज करते हैं, पैरालिसिस में भी विरेचन कर्म यूज करते हैं डॉक्टर्स। विरेचन पंचकर्म वमन पंचकर्म का बाय कह सकते हैं। विरेचन पंचकर्म और वमन पंचकर्म में दो ही डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि उसमें एक और मसाज एक्स्ट्रा आएगा विरेचन में, मतलब 3 दिन कंपलसरी कर देंगे। दूसरा डिफरेंस, वमन सुबह सुबह खत्म हो जाएगा और विरेचन सारे दिन रहेगा, मतलब सारे दिन लूज मोशंस होते रहेगा। पर यह भी डिसीज नहीं है, वो हमेशा आप माइंड में रखना चाहिए कि वमन और विरेचन दोनों डिसीज नहीं है, वो ट्रीटमेंट है। इसीलिए बहुत डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पेशेंट स्टेबली रहेगा। जब भी हम वॉमिट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहा है और विरेचन कर रहे हैं वो भी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है और विषक पदार्थों को कंप्लीटली क्लेंस कर रहा है, बॉडी को टॉप टू बॉटम क्लेंस कर रहा है। नेक्स्ट 2 पंचकर्मास इस आस्थापन वस्ति और अनुवासन वस्ति। ये दोनों वस्ति एक ही जैसा हम देखते हैं, मतलब वमन पंचकर्म करने के टाइम पे विरेचन नहीं कर सकते हैं, इसके बाद ही ये विरेचन पंचकर्म करेंगे। पर वस्ति पंचकर्म दोनों मिला के आएगा, मतलब सुबह एक पंचकर्म और इवनिंग एक पंचकर्म कहते हैं, वन आफ्टर द अदर रहेगा। ठीक है, वस्ति पंचकर्म मतलब क्या है, क्या होता है इसमें? आप एनीमे के बारे में कभी सुना है? एनीमा मतलब जो भी रेक्टम में हम पुश करते हैं उसको एनीमा कहते हैं। जनरल नेचुरोपैथी में वाटर पुश करते हैं और डिलीवरी के पहले सोप वाटर वगैरह पुश करते हैं, वो है एनीमा, हम सबको पता है। पर आयुर्वेद में जो भी एनीमा कहा है, जो भी वस्ति कहा है, वो सिर्फ एनीमा नहीं है, वो मेडिकेटेड एनीमा है। मतलब उसमें हनी रहेगा और कुछ हर्बल पाउडर्स रहेगा, तेल रहेगा, शायद घी रहेगा, कभी कभी मीट हम ऐड कर देंगे, डिसीज के अनुसार मीट ऐड कर देंगे, और इसमें कषाय रहेगा, मतलब हर्बल डिकॉक्शन रहेगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीटली मिला के एक होमोजीनस मिक्सचर लेके आएंगे पहले, उसके बाद उसको हम टाई करके
वस्ति यंत्र के साथ टाई करके हम जेंटली एनस के अंदर डाल के और सारे कंटेंट्स को पुश करते हैं। इसको हम आस्थापन वस्ति कहते हैं। अनुवासन वस्ति करके और एक वस्ति है, वो जनरली हम खाने के बाद इवनिंग करते हैं। उसमें ऑयल या घी और एनी फैट हम इंट्रोड्यूस करेंगे रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर जाने के बाद वो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। आयुर्वेद में ऐसा कहा है वस्ति के बारे में कि जो भी इंटेस्टाइन्स में चीज है वो सारे कंटेंट्स को अंदर लेके हेड टू टो नरिश करेगा करके बताया है। तो जो भी प्रॉब्लम वात का प्रॉब्लम है वो वस्ति से हम ट्रीट कर सकते हैं। इस वस्ति ट्रीटमेंट हम किस किस डिसीजेस में यूज करेंगे, पैरालिसिस कंडीशन में यूज करेंगे, पार्किंसंस में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और सर्वाइकल पेन, लंबार पेन और सायटिका प्रॉब्लम में वस्ति यूज कर सकते हैं। आर्थराइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वस्ति के वजह से, और सारे वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम वस्ति ट्रीटमेंट करेंगे। वस्ति ट्रीटमेंट 5 दिन कर सकता है, 11 डेज, 11 दिन कर सकता है या 16 डेज भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम और इंटेंसिटी हम नंबर ऑफ डेज चूज करते हैं। ये है वस्ति के बारे में नॉलेज। सारे पंचकर्म में ईजिएस्ट पंचकर्म नस्यम पंचकर्म होता है। नाक में मेडिसिन डालने वाला पंचकर्म नस्यम पंचकर्म है, बहुत ईजी है और बहुत इफेक्टिव भी है। नस्यम पंचकर्म से हम साइनसाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है, और डैंड्रफ हेयर फॉल प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकता है नस्यम पंचकर्म से। आस्मा प्रॉब्लम, नेसल पॉलिप्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पिंपल्स में हम नस्यम पंचकर्म करते हैं। सारे ईएनटी प्रॉब्लम्स में हम नस्यम पंचकर्म करके बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। नस्यम पंचकर्म में हम कभी कभी तेल मेडिसिन डाल के ट्रीट करते हैं, कभी कभी घी मेडिसिन डाल के ट्रीट करते हैं, कभी कभी फ्रेश मेडिसिनल जूसेस डाल के ट्रीट करते हैं, और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को हम डिसीज के अनुसार चूज करके हम ट्रीट करते हैं। 7 डेज पेशेंट डॉक्टर के साथ आना चाहिए और नस्यम पंचकर्म करने के बाद रेस्ट में रहना चाहिए। सारे पंचकर्म में पेशेंट एब्सोल्यूट रेस्ट में रहना चाहिए। मैं पंचकर्म कर रहा हूँ फिर भी ऑफिस जा रहा हूँ, पंचकर्म कर रहा हूँ सिर्फ फिर भी मैं बाहर जाके काम कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा पंचकर्म पेशेंट एक रूम पे कंप्लीट रेस्ट में रह के ही करना है, तभी पंचकर्म अच्छे से होगा। पेशेंट एसी को नहीं यूज करना चाहिए और जोर से फैन नहीं लगाना चाहिए। विंडो से जो भी धूप है वो ठीक है, पर सीधा धूप के अंदर जाके पंचकर्म नहीं कर सकता है। पंचकर्म करने के टाइम पे हमारा बॉडी थोड़ा हॉट रहना चाहिए, जब भी हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी पंचकर्म नॉलेज में अभी आपको दिया वो सब आपको इंफॉर्मेशन के लिए और आपको नॉलेज के लिए दिया है। वो आप घर पे बैठ के अपने आप को इस ट्रीटमेंट को कभी मत कर दीजिए, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ मिलके और डॉक्टर का गाइडेंस में ही करना है। रक्त मोक्षण करके और एक पंचकर्म है, वो सेपरेट सब्जेक्ट है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। आपको पंचकर्म के बारे में जो भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम आंसर कर देंगे। और जो भी आपको इन फ्यूचर कुछ वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकते हो, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। थैंक यू, नमस्ते। Do you subscribe to our channel to be updated with our latest videos? If you like this video, please share it with your friends, and if you have any opinions or questions, do write them in the comment section below.